अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटैटो ग्रो करने पे, कि हम आलू को घर पे अपने मुख्तलिफ कंटेनर्स में और गमलों में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो आलू भी जैसे हम अदरक ग्रो करते हैं, शकरकंदी होती है, गाजर, मूली, शलजम वगैरह, इसी तरह से ये ज़मीन के अंदर बनती है सब्ज़ी। इसके ज़मीन के ऊपर आपको इसकी ब्रांचेज, लीव्स और फ्लावर्स तो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो फ्रूट बनता है, जिसको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो ज़मीन के अंदर बनता है। तो आलू ग्रो करना इंतहाई आसान है। हमें इसका कोई सीड नहीं चाहिए होता। जिस तरह से किचन में आलू आते हैं, वही आलू हम लेके तो बहुत ही ईजीली ग्रो कर सकते हैं। एक मौसम आता है कि आलू के ऊपर खुद से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दो आलू मैंने किचन से लेके तो ग्रो करने के लिए रखे और इस शापर में रखे हुए थे मैंने, लेकिन जल्दी में मैं चली गई वापस नीचे और मैं उनको ग्रो ना कर पाई। तो तकरीबन एक हफ्ता हो गया इनको यहीं पर पड़े हुए, गार्डन में पड़े थे शापर में, साय में। तो ये देखिए, इसकी ये स्प्राउटिंग के साथ साथ इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और ये कुछ आलू लेके मैंने उनका जो स्प्राउटिंग वाला हिस्सा है उनको कट करके रखा है, क्योंकि जब हम इस तरीके से आलू ग्रो करते हैं तो फौरन कट करके लगाने से ज़्यादा बेहतर होता है कि उनको कट करके तो हम दो तीन दिन के लिए रख दें इस तरह से, ताकि जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पर एक लेयर से बन जाए और फंगस या किसी भी बीमारी के अटैक से हमारा जो यानी कि सीड के इस तरह सीड ही कह सकते हैं कि इस तरह जो कट करके हम लगाते हैं आलू, तो वहाँ से मज़ीद प्लांट्स बन जाते हैं, तो वो बीमारियों से महफूज होता है। 50% तक इस तरह से बचत हो सकती है। तो आप इस तरह से अगर आलू छोटे हों, 1-2 इंच के, 3 इंच के, तो उनको पूरा भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जो पोटैटो है वो बिग साइज़ का है, तो फिर इस तरह से हम उसके जिस साइड से स्प्राउटिंग हो रही है उसको कट कर लेंगे और उसको ज़मीन में बो देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, जितने भी आपको पोटैटो नज़र आ रहे हैं, इसके छोटे छोटे से पार्ट किए हुए हैं मैंने और ये सारे के सारे स्प्राउट हो रहे हैं। और मुझे तो ये देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि देखें माशाल्लाह किस तरह से ये ब्रांचेज भी निकलना शुरू हो गई हैं और वहीं से रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये जस्ट पोली बैग में मैंने बांध के रखे हुए थे ये लपेट के, क्योंकि इस पर हल्की हल्की सी इस तरह से स्प्राउटिंग तो हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ये एक हफ्ते के अंदर अंदर इस शेपर में बड़े बड़े हो गई है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने तकरीबन 25-30 दिन पहले किचन में से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी थी उन आलुओं पर जो मैंने ला के तो इस वाले पॉट में ये सैंडी सॉइल में ग्रो किए थे, और एक इस साइड पर किया था। ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे लीव्स आना शुरू हो गए हैं और इसकी हाइट तो काफ़ी अच्छी हो गई है। और पोटैटो को ग्रो करने के लिए हमें पॉट किस तरह का चाहिए? पॉट की जो डेप्थ है, कोशिश करें कि 8 से 10 इंच हो, क्योंकि फ्रूट नीचे बनता है, जो आलू हैं वो नीचे बनेंगे। और जब हमने इनको ग्रो करना है तो तकरीबन 6 इंच तक आप मिट्टी डाल के तो आलू ग्रो कर दें। इसके बाद जब आलू इस कंडीशन में आ जाएंगे और डेप्थ जो है वो ज़्यादा होगी और प्लांट हमारे नीचे निकल रहे होंगे, तो साथ के साथ जो भी सॉइल मीडिया आपने अच्छा फर्टाइल बना के रखा हुआ होगा वो साथ के साथ हम डालते जाएंगे, क्योंकि फिर होता यूँ है कि ये तने के साथ से मज़ीद इस तरह से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वहीं से फिर ज़्यादा फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। तो जितना अच्छा और डेप्थ वाला गमला होगा, पॉट होगा आपका, उतना अच्छा आपको पैदावार मिल सकेगी। और मिट्टी जो लेनी है हमने, वो इस तरह की लेनी है कि वेल ड्रेन सॉइल हो, लेकिन अच्छी फर्टाइल हो। आलू ग्रो करने के लिए हमें हमेशा ऐसी सॉइल लेनी है जिसमें से पानी रुके ना, फौरन ड्रेन हो जाए जो एक्स्ट्रा वाटर हो, क्योंकि अगर पानी उसमें खड़ा रहेगा और वो सौगी सी हुई रहेगी सॉइल, तो जो नीचे का ये पार्ट होगा इसका आलू का, वो गल जाएगा। जब इसकी जड़ें गल जाएंगी तो फिर ऊपर प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह मायूसी होगी आपको, और नेक्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने में फिर इंसान का दिल जो है वो टूट सा जाता है कि
पहला एक्सपीरियंस नाकाम रहा है तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या होगा। तो इसलिए अच्छी वेल्ड्रेन सॉइल लें जिसमें पानी ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा ना हो, और कार्डंग मैन्यूर वगैरह अच्छी मिकदार में ऐड करके तो फिर आप पोटैटो को ग्रो करें, तो इंशाल्लाह आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब हम ये वाला जो पोटैटो है इनको ग्रो करते हैं। तो पोटैटोज़ को ग्रो करने के लिए मैंने ये वाला पॉट चूज़ किया है, और इसके अंदर हम इस तरह से अपने आलू को रख देंगे इस तरह से। स्प्राउटिंग वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा आपने ऊपर करना होता है, क्योंकि शाख हमेशा हमेशा इसी साइड से निकलेगी। और ऐसे ही हम ये वाला दूसरा पोटैटो भी यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो सीड्स हैं वो लगा दिए हैं, जो पार्ट हमने कट किए हुए हैं पोटैटो के। इस तरह से लगाने के बाद हम इस पे मिट्टी डाल देंगे। और ये देखिए, इसमें पहले मैंने कुछ पालक के बीज वगैरह लगाए हुए हैं, तो इसको हमने कवर कर देना है अच्छे से। इस तरह से कवर करने के बाद इनको एक दफ़ा पानी लगा देंगे। और सॉइल जो लेनी है पोटैटो को ग्रो करने के लिए, जिस तरह से कहा जाता है कि पीएच कितना होना चाहिए पोटैटो ग्रो करने के लिए, तो 5 से 7 तक के बीच में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है अगर इस तरह की सॉइल हो, हल्की एसिडिक हो। और टेम्परेचर जो बेहतर होता है आलू की ग्रोथ के लिए वो होता है 20 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान। अगर इस तरह से सूटेबल रहता है जो टेम्परेचर है, तो आप आलू की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बेशक पॉट में हो, ज़मीन में हो, या किसी भी कंटेनर में आपने लगाया हुआ हो। तो पहले के लगाए हुए पोटैटोज़ का रिज़ल्ट तो आप देख ही चुके हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा चल रहे हैं ये। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।